भारतीय जनता पार्टी के दधीची जिन्होंने अपने शरीर का कण कण और समय का क्षण क्षण भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया, आज उनकी शताब्दी वर्ष समारोह है, उसमें माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी आ रहे हैं और साथ ही संगठन पर भी विचार होगा। सर, जो पैतृक उनका गांव था वहां पर एक पेड़ को दिखा करके नीरज जी जो MLC हैं जदयू के, उन्होंने ट्वीट किया है, कहा है कि देखिए ये सम्मान है या अपमान है, उनके नाम पे जो पेड़ लगाया गया था वो सूख गया है। नीरज जी की बातों पर मत ध्यान दीजिए, नीरज जी का बस कहाँ चला गया, नीरज जी का होटवार जेल कहाँ चला गया, वो लोग का कोई ठीक नहीं है जो क्या बोलेंगे। हम कैलाशपति मिश्रा जी को संगठन पुरुष मानते हैं, अपना आदर्श पुरुष मानते हैं और उनका जन्म शती समारोह पूरे साल भर गौरवपूर्ण तरीके से मनाएंगे। जातीय जनगणना का रिपोर्ट हुआ है तो इसमें तो हो गया कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो 82% हिंदू है बिहार में, तो हिंदू राज्य घोषित हो बिहार, हिंदू के सारे मुद्दे को प्रमुखता से रखा जाए और हिंदुओं का बोलबाला हो सभी जगह, इसीलिए कोई बात नहीं है हिंदुओं का। और जिस तरह से मुस्लिम का जनसंख्या बढ़ा है यह भी चिंतनीय है, कहाँ गया परिवार नियोजन, कहाँ गया सरकार का स्वास्थ्य कार्ड, ये सब इसलिए विचारणीय विषय है। अगर सभी आदमी नहीं संभले तो आने वाले 40 से 50 वर्षों में कहाँ चला जाएगा, जात नाम का चीजों नहीं बचेगा बिहार में। तो लालू जी तक कहे हैं तब तब अति पिछड़ा भाई को बना में मुख्यमंत्री, अब 32 साल से इन लोगों को याद नहीं आया, ये अंतिम पासा है, अंतिम दाव है नीतीश जी और लालू जी का जो नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।